कुछ होते ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते मुनव्वर बन जाते हैं। तो वो जीता तो मुझे ऐसा लगा मैं जीता, कहीं ना कहीं जो अंदाजे बयां मेरा था शायरी बोलने का, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, आप लोगों ने तो देखा होगा बिग बॉस 7 जो पहली शायरी मैं सलमान भाई को देख के बोला था कि जिस जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, जिस जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, आज तेरा दीदार हुआ है कैसे चूमूं अपनी आंखें। क्या बात है, एक नंबर बड़े यश भाई। यार देखो इन लोग की बीवी उन्हें तो घर पे बहुत मारती है शायद और परेशान करती होगी, या फिर कुछ ना कुछ उन्हें पर्सनल प्रॉब्लम होगी लाइफ में। ये जो हिंदू मुस्लिम करता है ना, उनके लिए एक कानून होना चाहिए कि उन्हें सीधी फांसी पे चढ़ा दो। कोई भी ये बोले ही नहीं मैं बंगाली, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं मुसलमान, मैं नेपाली, मैं मराठी, सबको इंडियन बोलना है, आई एम इंडियन, फिर हमारा देश तरक्की पे आएगा, फिर आप लोग भी थोड़ा सच बोल पाएंगे। पर मुनव्वर पे FIR दर्ज हुई है, डोंगरी पे जो क्राउड एंड ड्रोन शॉट्स उन्होंने लिए, आप अगर कुछ बताना चाहोगे? मुनव्वर पे नहीं, मुनव्वर के फैंस पर FIR। यार शाहरुख खान के घर भीड़ लगती है तो FIR नहीं होती, सलमान खान के घर भीड़ लगती है तो FIR नहीं होती, अमिताभ बच्चन के घर पे संडे को भीड़ लगती है तो FIR नहीं होती, वो मुनव्वर के घर पे एक दिन भीड़ लग गई तो FIR कर दिए। क्या यार, जाने दो, कुछ बोलूँगा फिर बोले बोलता है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू यार, थैंक यू। सिगरेट लटका लेके अंदर। कितने सारे तुम मीडिया वाले बहुत आगे बढ़ गए माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। सबसे पहले गाने से शुरुआत करते, गाने जहर मोहब्बत, गाने का टाइटल ही काफी कुछ है। देखो मोहब्बत जहर है, मौत से मरम्मत, ऐसे हैरान, बस से बर्बाद और तो से तबाह, ये ऐसा जहर है जिसको खाने के बाद आदमी मरता नहीं है, तड़पता है, जिंदगी भर तड़पता है। आई मीन आई विश ऑल द लक टू द सॉन्ग एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका जो सोनल इज डूइंग अ म्यूजिक वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम, शी इज लुकिंग प्रीटी माशाल्लाह। जहर मोहब्बत, कुछ ही होते ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते मुनव्वर बन जाते हैं। तो वो जीता तो मुझे ऐसा लगा मैं जीता, कहीं ना कहीं जो अंदाजे बयां मेरा था शायरी बोलने का, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, आप लोगों ने तो देखा होगा बिग बॉस 7 जो पहली शायरी मैं सलमान भाई को देख के बोला था कि जिस जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, जिस जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, आज तेरा दीदार हुआ है कैसे चूमूं अपनी आंखें। क्या बात है, एक नंबर बड़े यश भाई। जितना क्राउड हुआ था, जितना रैली किया गया था, बहुत प्यार मिला उनको, बट कहीं ना कहीं कुछ नेशनल टेलीविजन पे जो मीडिया वाले कुछ हिस्से उनके लिए हेट स्पीच भी फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यार देखो इन लोग की बीवी उन्हें तो घर पे बहुत मारती है शायद और परेशान करती होगी, या फिर कुछ ना कुछ उन्हें पर्सनल प्रॉब्लम होगी लाइफ में। ये जो हिंदू मुस्लिम करता है ना, उनके लिए एक कानून होना चाहिए कि उन्हें सीधी फांसी पे चढ़ा दो। कोई भी ये बोले ही नहीं मैं बंगाली, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं मुसलमान, मैं नेपाली, मैं मराठी, सबको इंडियन बोलना है, आई एम इंडियन, फिर हमारा देश तरक्की पे आएगा, फिर आप लोग भी थोड़ा सच बोल पाएंगे। पर मुनव्वर पे FIR दर्ज हुई है, डोंगरी पे जो क्राउड एंड ड्रोन शॉट्स उन्होंने लिए, आप अगर कुछ बताना चाहोगे? मुनव्वर पे नहीं, मुनव्वर के फैंस पर FIR। यार शाहरुख खान के घर भीड़ लगती है
तो FIR नहीं होती, सलमान खान के घर भीड़ लगती है तो FIR नहीं होती, अमिताभ बच्चन के घर पे संडे को भीड़ लगती है तो FIR नहीं होती, वो मुनव्वर के घर पे एक दिन भीड़ लग गई तो FIR कर दिए। क्या यार, जाने दो, कुछ बोलूँगा फिर बोले बोलता है। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू यार, थैंक यू।